बुआ जी के घर से निकल चुकी हूँ, दादाजी के घर पे जा रही हूँ। गाइस शाम को ये देखो पूरा ख़राब हो चुका है रास्ता भी, ये देखो ये पूरा ख़राब हो चुका है गाइस, पूरा शायद में जाना पड़ रहा है हमको, ये देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिपा चकमा ब्लॉग्स। तो दोस्तों सुबह सुबह आया हूँ, डेली ब्लॉग शुरू होता है ना, यहाँ पर आ चुका हूँ डेली, जहाँ से डेली ब्लॉग शुरू होता है यहाँ पर आ चुके हूँ। अभी बज रहे 9:30, ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए आ चुका हूँ। और इतना सारा प्यार दे रही हो गाइस ब्लॉग को, तो थैंक यू एवरी वन गाइस, आप लोगों को थैंक यू सो मच दिल से गाइस। और 500 के खरीद पे गाइस जल्दी से खा दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस महीने में 500 सब्सक्राइबर होगा तो गाइस इतना सारा प्यार दे रही हो गाइस, तो आगे चलकर और प्यार देना गाइस। देखते हैं गाइस आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लिया हूँ, और क्या करेंगे देखेंगे, जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा मन है दादाजी के वहाँ पर जाने के लिए। ये देख सकते हो गाइस वेदर भी पूरा चेंज हो चुका है, लगातार 3 दिनों से लगातार बारिश दिया है ना, इसी वजह से ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ गाइस। पूरा 4 दिन हो गया ना ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, पूरा शॉर्ट वीडियो डाल डाल के क्या करें गाइस, मजबूरन है। मौसम भी क्या हो गया, विंटर सीजन आ गया फिर भी बारिश देता है गाइस। और थोजोंगरी पर भी पूरा बड़ा हो चुका है गाइस, देख सकते हैं, ये देखो पूरा बड़ा हो चुका है गाइस, और नहाने के लिए भी नहीं सकता है, और छोटा नदी पर नहाना पड़ेगा गाइस। आज तो तैयार होकर जाऊंगा दादाजी के वहाँ पर, जीरो आदम में, हम लोग जीरो बोलते हैं गाइस उस विलेज का नाम, जीरो आदम बोलते हैं। वहाँ पर जाऊंगा दादाजी को देखूंगा क्या हाल है उसका, काफ़ी महीना हो गया नहीं जा रहा हूँ दादाजी को देखने के लिए, तो तैयार हो जाएंगे फिर जाएंगे दादाजी के घर पे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा गाइस, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा गाइस, एक सब्सक्राइबर से पूरा मोटिवेट मिलता है गाइस मुझे, और बनाने का मन करता है गाइस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी चले जाते हैं घर पे गाइस, पहली बात तो नहाना पड़ेगा फिर जाएंगे दादाजी के वहाँ पर, ठीक है। A few moments later. So, नहा धो लेने के बाद अभी तैयार हो चुका हूँ दोस्तों दादाजी के घर पे जाने के लिए। अभी मेरे साथ जा रही है मेरा दादी जी, यानी कि मेरे पापा का माँ, यानी कि मेरी दादी जी जा रहे हैं दोस्तों घूमने के लिए जीरो आदम में दादी जी के साथ। ये देख सकते हैं चल भी नहीं पाता है गाइस, धीरे धीरे जाना पड़ेगा आस्ते आस्ते। और मैंने ट्राइपॉड भी ले लिया है, अगर ट्राइपॉड लग सकता है गाइस इसीलिए ट्राइपॉड ले जा रहा हूँ। सो फाइनली अभी आधे रास्ते पर पहुँच चुके हैं गाइस, ये है दादी, पूरा आस्ते आस्ते जाना पड़ रहा है गाइस। ये देख सकते हैं दादी चल नहीं सकता है ना, ये बुद्धा हो चुका है, इसी वजह से आस्ते आस्ते जाना पड़ रहा है गाइस, तो जाएंगे आस्ते आस्ते। और रोड का कंडीशन देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, ये देख सकते हैं रोड पूरा ख़राब हो चुका है, जब भी बारिश देता है ना गाइस पूरा रोड ख़राब हो जाता है, पानी ठीक भी नहीं करता है, बहुत आने में पता नहीं क्या क्या लेक्सर मारता है, और बहुत जाने में पूरा नहीं देखता है गाइस, हम लोगों को नहीं पहचानता है, यही है गाइस क्या कर सकते हैं। और मेरे पीछे पीछे में आ रहा है दादी, मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, मेरा काम है ब्लॉग बनाना गाइस, चाहे जो भी कहे मैं तो बनाऊँगा गाइस ना, मेरा काम है ब्लॉग बनाना गाइस, व्यूज़ आए या ना आए मैं तो बनाऊँगा गाइस। वहाँ पर देख सकते हैं मेरा दादी जी, पूरा रोड ख़राब है गाइस, उधर भी देख सकते हैं पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस रोड देख के, क्या करें गाइस। तो अभी आधे रास्ते में रुके हुए हैं, वो देख सकते हैं मेरा दादी चल नहीं सकता है, धीरे धीरे जाना पड़ रहा है गाइस, क्या करें हम भी ऐसे हो जाएंगे। अभी आधे रास्ते पे रुके हुए हैं गाइस, ये मेरा दादी जी जो है रेस्ट कर रही है, और मेरे पीछे में देख सकते हैं हमारा स्कूल का गेट, मैंने बचपन में यहाँ से पढ़ाई शुरू किया था गाइस, अभी तो स्कूल नहीं जाता हूँ, अभी चलेंगे गाइस, पूरा आहिस्ते आहिस्ते जाना पड़ रहा है, मेरा दादी जी जो है चल नहीं सकता है इसलिए धीरे धीरे जाना पड़ रहा है गाइस, क्या करें जाना तो पड़ेगा, तो चलते हैं अभी गाइस। कैसा लग रहा है दादी जी, बोलो चेदे लारागुरी जब देख सकते हो गाइस एयरटेल का टावर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेट स्लो है गाइस, बेकार है। ये देख सकते हैं एयरटेल का टावर, एक ही टावर है गाइस, और जियो का एक बस दो ही है गाइस यहाँ गांव में, हमारा गांव में, क्या करें गाइस।
बहुत ही ज़्यादा नेट स्लो है, कुछ भी नहीं देख सकता है गाइस एयरटेल नेटवर्क से। लेकिन जियो जियो तो पूरा अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं रहता है, खाबी रहता है खाबी नहीं रहता है गाइस, पता नहीं क्यों। और रोड का कंडीशन देख सकते हैं गाइस, पूरा ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हैं गाड़ी भी चल नहीं सकता गाइस, ऐसा कंडीशन हो चुका है रास्ता का हालात। इधर साइड में जाना पड़ रहा है गाइस हमको, ये देखो पूरा ख़राब हो चुका है रास्ता भी, ये देखो ये पूरा ख़राब हो चुका है गाइस, पूरा साइड में जाना पड़ रहा है हमको, ये देखो ये देखो ये है मेन रोड। पहुँच चुके हैं दोस्तों बुआ जी के घर पे, वहाँ पर है मेरा बुआ जी और यहाँ पर है मेरा दादी, टीवी देख रहा है गाइस। यहाँ पर काफ़ी देर रहेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे दादाजी के वहाँ पर, दादाजी को भी दिखना होगा ना, फिर यहाँ पर आएंगे खाना खाएंगे यहाँ पर, फिर दादाजी के घर पे सो जाऊँगा गाइस। आज तो घर में नहीं जाऊँगा, फिलहाल के लिए यहाँ पर रहेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे दादाजी के घर पे। तो दोस्तों अभी खा रही हूँ खाना, खाना दिया गया है मेरा बुआ जी दिया है खाना, बॉय खा रही हूँ गाइस। A few moments later. So guys, अभी बुआ जी के घर से निकल चुके हूँ, दादाजी के घर पे जा रही हूँ गाइस। अभी पहुंच चुका हूं गाइस दादाजी के घर पे, ये देख सकते हैं दादाजी का कार, और मैंने चाबी भी लेके आ दिया है दादाजी के वहां पर, दादाजी नीचे में गया है ना, दादाजी से लेके आ दिया है चाबी, अभी खोलना पड़ेगा गाइस घर को, पूरा ताला मर के कहां कहां घूमता है गाइस। तो अभी दादाजी के घर पे पहुंचे हुए, काफ़ी देर हो चुका है गाइस, अभी तक नहीं आए दादाजी और मैं अकेला हूँ, वेट कर रहा हूँ, उसको बाजार में गया है ना नीचे में, इसलिए वेट कर रहा हूँ गाइस अकेले। सबसे पहले तो अंदर में आओगे तो ऐसा दिखने को मिल जाएगा गाइस दादाजी के घर, और यहाँ पर बर्तन वगैरह ये रखता है, और यहाँ पर पानी वगैरह, और यहाँ पर जो है खाना बनता है गाइस, पूरा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक लोकल ट्रेडिशनल क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं, पूरा चूल्हे पे खाना बनता है गाइस, और यहाँ पर चावल रख दिया क्या क्या पता नहीं, और यहाँ पर पपीता रख दिया है गाइस, डिनर में खाएंगे दादाजी के साथ मेरा, और एक्चुअली दादाजी जो है मेरा मम्मी का बाप गाइस, तो मेरा लगता है दादाजी, इसलिए यहाँ पर आ चुका हूँ गाइस, मैं कभी कभी आता हूँ, डिनर खाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर है दादाजी मेरा, खाना निकाल दिया है गाइस, और क्या क्या बना है देख सकते हैं, यहाँ पर बना है रसीला पत्ता के लिप्स बना है, और ये छोटा छोटा ड्राई पीस गाइस बेम्बू में घुसा के बनाया हुआ है मेरा दादाजी बनाया है गाइस, बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पर दाल गाइस। सो दोस्तों अभी डिनर करने के बाद ड्रेस कर रहे हैं मेरा दादाजी, मेरा माँ की पापा, ये देख सकते हैं पूरा बुद्धा हो चुका है गाइस, पूरा चाचा खाना खिलाया गाइस मुझे। गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर सो मच वॉचिंग, बाय। बुद्धा हो जाएंगे तो क्या करें गाइस, जाना तो पड़ेगा एक दिन ही। Sometimes I forget it.